अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 2, 19। अब देखें, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर हैं 19 तक, और वाई इक्वल है 0, 2, 4, 6, 8 से 20, इवन नंबर्स हैं। एंड जी हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो ये सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग्स, तो हम लोगों ने फाइंड करनी है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का, एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी, यूनियन का है तो सॉल्व करते हैं। एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इज इक्वल, देखें क्या आ जाएगा, कैसे राइट होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स है तो हमने इक्वल के इस तरफ एक्स सेट लिखना है। एक्स क्या है, सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 2, 19 यूनियन है, यूनियन डालेंगे। फिर देखें ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद वाई है तो वाई सेट लिखेंगे। वाई क्या है, इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 20। इसके बाद वाई के बाद क्या है, यूनियन, यू डालें। यूनियन के बाद क्या है, जी, जी सेट सारे प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई यूनियन जी हो रहा है, तो हम भी वाई यूनियन जी का यूनियन करेंगे और एक्स सेट को हम ऐसे ही उतार लेना है। लिहाजा 1, 3, 5, 7, 2, 19 सेट वैसे आ जाएगा, यूनियन होगा। अब देखिए यहाँ सारे प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ सारे इवन हैं, तो दोनों को अरेंज करके लिखेंगे, 0 आ जाएगा, 2 उसके बाद 3 उसमें है, 4 इधर है, 5 उसमें है, 6 यहाँ पर है, 7 वहाँ है, 8 इधर आ गया, और 8 के बाद 9 जो है वो इसमें भी नहीं है, प्राइम नंबर में भी 9 नहीं होता। 9 के बाद 10 इधर आएगा, 11 है, 11 के बाद 12 आ जाएगा इधर, 13 के बाद यहाँ 14 आ जाएगा, 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है लिहाजा फिर इसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 17 है, 18 है इधर, 19 है और 20, और 20 के बाद यहाँ पर क्या है, 23। तो ये सेट दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने लिख लिया यूनियन। अब यहाँ पर भी 1 से 19 तक जो नंबर्स हैं इसमें यूनियन हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 इधर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ये देखें 11 इधर है, और 11, 10 के बाद क्या आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 तक तो मुकम्मल आ जाएगा। 19 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 20 एंड 23। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, तो सवाल तो वही है तकरीबन, लेकिन ब्रैकेट्स क्या हैं, हम एक्स यूनियन वाई के कितने हैं, पहले वाई यूनियन जी था तो हमने पहले इसका यूनियन किया था, अब ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई आ रहा है, इसका मतलब है सबसे पहले एक्स यूनियन वाई करेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, एक्स सेट लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 2, 19 यूनियन, वाई सेट लिखेंगे, 0, 2, 4, 6, 8 से 20 ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर जी है, जी सेट लिखेंगे, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से 23। अब सबसे पहले किसका यूनियन करेंगे, एक्स यूनियन वाई, तो देखें एक्स यूनियन वाई क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 से 19 है, और 0 से लेकर ये इवन और क्या है, और नंबर्स हैं, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो 0, 1, 2, 3 से सो ऑन कहाँ तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। अब यूनियन प्राइम नंबर कर लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे 0 से 20 तक, तो कंबाइन सारे नंबर आ जाएंगे।
20 के बाद क्या आएगा? 23। तो ये क्या है इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z को राइट करते हैं। पहले x है, एक्सेट लिखेंगे 1, 3, 5, 7 से 19 तक, इंटरसेक्शन ब्रैकेट, फिर y है, y सेट लिखेंगे 0, 2, 4, 6 से 20, इंटरसेक्शन z क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and 23, ब्रैकेट क्लोज। तो देखें y इंटरसेक्शन z करना है तो x एक्सेट को वैसे उतार लेंगे 1, 3, 5, 7 से 19। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इंटरसेक्शन z करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। तो दोनों में से कॉमन देखें क्या आ रहा है, ये हमारे इवन नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, और ये क्या है, सारे के सारे वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब है दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आना, सेट क्या आ जाएगा, एम्प्टी। तो जब इन नंबर्स के साथ एम्प्टी सेट कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो सॉल्व करते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालेंगे, एक्सेट है, एक्सेट लिखते हैं 1, 3, 5, 7 से 19, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का साइन आएगा y, y सेट क्या है 0, 2, 4, 6, 8 से 20 तक, ब्रैकेट क्लोज। फिर इंटरसेक्शन है, फिर z सेट है, z सेट हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन लिया जाएगा ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x इंटरसेक्शन y। तो पहले x इंटरसेक्शन y करते हैं। देखें दोनों ही डिफरेंट सेट हैं, एक ऑड नंबर्स हैं और एक इवन नंबर्स हैं, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी सेट आएगा, इंटरसेक्शन। इसके बाद प्राइम नंबर आ जाएंगे सारे के सारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। फाइव पार्ट है x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। अब देखिए इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, x यूनियन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z इज इक्वल होगा, x है, पहले हम x सेट लिखेंगे 1, 3, 5, 7 से 19 तक, यूनियन यू डाल देंगे, ब्रैकेट, फिर y लिखेंगे, y क्या है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 से 20, इंटरसेक्शन z क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले x सेट तो वैसे ही आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 2, 19, यूनियन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखें ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर है, दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, लिहाजा ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन था ना, इंटरसेक्शन में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यूनियन, यूनियन में एम्प्टी सेट के साथ जो भी सेट यूनियन होता है तो वही सेट आ जाता है। तो 1, 3, 5, 7 से 19, ये आंसर है हमारा इसका। सिक्स पार्ट है x यूनियन y इंटरसेक्शन ब्रैकेट x यूनियन z। अब दोनों x यूनियन y भी हो रहा है, x यूनियन z भी हो रहा है, और दोनों के साथ क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन सेंटर में। तो राइट करेंगे x यूनियन y
इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी इज इक्वल, देखें पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालते हैं, फिर एक्स सेट है, एक्स सेट आ रहा है 1, 3, 5, 7 से 19, यूनियन वाई सेट है, वाई सेट क्या आ रहा है 0, 2, 4, 6 से 20, ब्रैकेट क्लोज। अब इनका इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स सेट है, एक्स सेट क्या आ रहा है 1, 3, 5, 7 से 19, यूनियन है, फिर जी सेट क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को यूनियन करना है और इन दोनों को भी यूनियन करना है, फिर दोनों के आंसर का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो सबसे पहले इनको यूनियन करते हैं, इवन और ऑड नंबर्स हैं तो दोनों मिक्स होके होल नंबर बना देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 19, 20 तक आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब ये देखें ओड नंबर है और प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 8 तो दोनों में नहीं है, 7 के बाद क्या आ जाएगा 9 आएगा, इधर 10 नहीं है, 11 आएगा, 12 भी नहीं आ रहा, 13, 14 भी नहीं है लेकिन 15 है इसमें, 16 नहीं है, 17 दोनों में है, 18 नहीं है, 19 आ जाएगा और फिर 23। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में इन कॉमन, अब ये 0 से 20 तक मुकम्मल अदाद है तो यहाँ 20 तक जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं वो कॉमन आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये क्या है हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा 6 का आंसर है। यहाँ हमने देखे यूनियन लिया था तो यहाँ हमारे पास 2 भी था, लिहाजा जब हम कॉमन लेंगे इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से आ जाएगा कहाँ तक 19 तक। नेक्स्ट है 7x इंटरसेक्शन y यूनियन z, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y यूनियन z, तो सबसे पहले x सेट आएगा 1, 3, 5, 7 से 19, इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट y क्या है 0, 2, 4, 6 से 20, यूनियन z सेट क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ये हमारे पास क्या है x सेट वैसे आ जाएगा 1, 3, 5, 7 से 19, इंटरसेक्शन यहाँ y यूनियन z कर लेंगे पहले, ये 0 से 20 तक नंबर्स हैं और ये क्या है प्राइम नंबर है, तो देखें यूनियन में क्या आ जाएगा 0, 2, 3, 4 इधर है, 5 उधर है, 6 यहाँ है, 7, 8, 9 यहाँ नहीं है, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है दोनों में, 16, 17, 18, 19 और 20 और 23, तो ये हमारा क्या है यूनियन। अब दोनों में से क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, तो देखें क्या कॉमन आ रहा है, 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 3 के बाद 5 भी है, 7 भी है, तो 7 के बाद 9 जो है वो यहाँ नहीं है, और 11 है, 12 नहीं है, इससे 12 नहीं है, फिर इसमें से 13 है, 13 के बाद 15 भी है कॉमन, 15 इसमें नहीं है, 15 कॉमन नहीं है, तो 17 आएगा, 17 के बाद क्या आ जाएगा 19, ये हमारा आंसर है सेकंड लास्ट फर्स्ट का। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स सेट है, एक्स सेट क्या है हमारे पास
1357 से 19। इंटरसेक्शन वाई सेट क्या है? वाई है जी 0, 2, 4, 6, 2, 20। इसके बाद यूनियन, और एक्स सेट हमारे पास क्या है? 1357 से 19। इंटरसेक्शन जी सेट क्या है? जी हमारे पास आ रहा है जनाब, प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है और एक्स इंटरसेक्शन जी करना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा यूनियन। अब इन दोनों का करते हैं, ये जो है ये ऑड नंबर्स हैं और ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो देखें दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। 3 आ रहा है, 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13, 17 और 19, ये कॉमन आ रहा है। अब जब यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ इस सेट को, तो जाहिर है ये जो सेट है सारा ही आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये हमारा फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19।